नमस्कार मत को स्वागत करुच्छ शक्ति 1936 मसीह ओडा प्रथम राज्य जे कि भाषा भित्तिर गठन कर आमर महामनीषी माने अनेक त्याग तपस्या बल ओडा को स्वतंत्र राज्यर मान्यता देते भाषा भित्तिक प्रथम राज्य थिला ओडिशा किंतु आज ओडिशार सीमा और ओडिशार स्वाभिमान आज संकटरे संकटरे कारण जोभली भावरे कोरापुट जिलार कोटिया अंचल जोठी कि आंध्र प्रदेश किछि मास तले जबरदस्ती पसिला ओडिशार सीमा भितर पशि ओडिशार कोटिया अंचल अनेक गाँव में जबरदस्त पंचायत निर्वाचन कराइला निर्वाचन प्रचार कले खाली से नुहे आंध्रर मंत्री आसिले आम ऑफिसर को धमक देले आमर लोकप्रतिनिधि मानू सेठाकार पुलिस धमकाइला जोर जबरदस्ती आसी पुलिस बाहन फोर्स धरी से माने निर्वाचन करी चली गले ओडिशा सरकार ओडिशार अधिकारी जलका हो रहीगले ए घटना को लेकिन बहु विलंबरे चाहिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गले निर्वाचन उपरे रोक लगैवापी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जाइले राज्य सरकार एक नहीं कहले आम सचेतन अच्छु आम से पशा को दबू ना आंध्रर अधिकारी को निर्वाचन करई दबुनी एक सरकार पक्षर कहगला किंतु एबे कोरापुटर जिलापाल कहते जे आंध्र जो अंचल पंचायत निर्वाचन कराई से अंचल ओडिशार नुहे एक कहते कोरापुट कलेक्टर अब्दुल एम अख्तर कौ आधार से कहते जे से अंचल ओडिशार नुहे जदि ओडिशार नुहे ताहले कहीं ओडिशा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाइले आंध्रर निर्वाचन उपरे रोक लगैवापी कहीं ताहले जाइले किए ताहले सत कह राज्य सरकार सत कहते ना कोरापुट जिलापाल अब्दुल एम अख्तर सत कहते कोरापुट जिलापाल ए बयान ये कौन तांको निज मर्जी रे ए बयान से देखते ये अति ये छोटिया कथा नुहे जहाँ को लेकिन सारा राज्य उठुची पड़ुची एवं से प्रसंग में हाथ झाड़ी दौंट कोरापुट जिलापाल कहते से अंचल ओडिशार नुहे जोटि की आंध्र निर्वाचन कराई आम कहूँ कोटियार से अंचल जहाँकि ओडिशा सीमार रही को आधार कहले ये कौन कलेक्टर निज बयान ना ए राज्य सरकार सम्मति रही जदि राज्य सरकार सम्मति ना आम प्रश्न उठाऊ राज्य सरकार कोरापुट जिलापाल ए बयान पर वर्तमान पर्यंत कहीं स्पष्टीकरण रखुना जेहेतु राज्य सरकार नीरव अच्छा मौने सम्मति लक्षण आधार रे एटा को धरी निया कि जे राज्य सरकार जहाँ कोरापुट जिलापाल कहते से राज्य सरकार मत राज्य सरकार से सम्मति रही कोरापुट जिलापाल कौन कहते आसतु शुणा प्रथम सो कॉल्ड मंडल इलेक्शन जो है सेटा कोटियार सीमा भितर है नथिले एई तांकर कॉन्स्टिट्यूएंसी भितर जो आंध्रा साइड रो जो वोटर माने थिले आंध्रा प्रदेश रो टेरिटरी भितर जो रहथिले से माने वोट देथिले आ सेई सो कॉल्ड कैंडिडेट इलेक्ट है छे त कोरापुट जिलापाल को आधार रे कहउछंती जे से ओडिसा रो अंचल नुहे जोठी आंध्र निर्वाचन कराई छे जदि ये ठीक कहते हैं राज्य सरकार को आधार सुप्रीम कोर्ट जाइले निर्वाचन उपर रोक लगैवापी ए प्रसंग में आम प्रतिक्रिया ना आम सहित तो जोड़ी होती वरिष्ठ सांबादिक तथा भाषा आंदोलन अन्यतम अग्रणी योद्धा श्रीयुक्त प्रद्युम्न शतपथी आम सहित तो जोड़ी होती श्रीयुक्त शतपथी आपको बहुत बहुत स्वागत जो भाई भाव में कोरापुट कलेक्टर बयान आसूरी जहाँ को लेकिन सारा राज्य उठुची पड़ुची जहाँ को लेकिन एत प्रतिवाद जहाँ को लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर्यंत कथा पहुँची कोरापुट जिलापाल एवं हाथ झाड़ी दौरान कहते से अंचल ओडिशार नुहे जो आंध्र आसी निर्वाचन कराई मुझे प्रथम लज्जित जड़े जिलापाल ओडिशार अच्छा मुझे जाणी मत लज्जा लगुच किसी मंतव्य देवाई जिलार प्रशासनिक सर्वोच्च अधिकारी हेले जिलापाल जिलापाल भाषा हूँ सरकारी भाषा जदि यह सरकारी भाषा सरकार स्पष्ट करने आवश्यक जदि यह सरकारी भाषा नुहे एक मान मटिद्रोही
ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରୋହୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେଠୁ ବଦଳି କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକିରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା କୌଣସି ଭୂମିକାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଗୋଟେ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜାତିର ସଂହିତା ଉପରେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ ଜଣେ ଶାସକ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ସେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବେ ଇଏ ନୈତିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଚଳ ବିଜୟନଗରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ନେଇକିରି ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ମିଶାଇଥିଲେ 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ହେଲା 1956ରେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଗଠିତ ହେଲା। ସିଏ ଯଦି ଆଜି ଏଇଭଳି ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକିରି ଏକ ଆନ୍ଧ୍ରର ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ପଳେଇବା ଉଚିତ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକିରି। ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ଏଥିରେ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଜାଣତରେ କ'ଣ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ତବ୍ୟ କୁହାଯିବ, ଏଥିରେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ମତି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ମତି ନାହିଁ, ଏ ଖବର ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ଗତକାଲିଠୁ ପ୍ରସାରଣ ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କାହିଁକି ରଖୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ? କାହିଁକି କେଉଁ ଆଧାରରେ ଯାଇଥିଲେ? କଥାଟା ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ, କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଜିର 60 ଦଶକରୁ ଆମର ବିବାଦ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେଠି ପ୍ରଚୁର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ତାହା ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଛି ଆନ୍ଧ୍ରର। ତେଣୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ 60 ଦଶକର ଅୟମାରମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧ କରିକିରି ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାଜନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ, ଆଜି ବି ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଏଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ମାଟିଦ୍ରୋହୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥଦ୍ରୋହୀ ମନ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ନିନ୍ଦନୀୟ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେଠୁ ବଦଳି କରି ତାକୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ତଦନ୍ତ ବସି ଇଏ କାହା ଆଧାରରେ, କୋଉ ଯୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ବା କ'ଣ ପାଇକିରି ଠିକ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଟେଣ୍ଡର ପେପର ଘରକୁ ନେଲେ, ଇଏ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୋଉ ଆଧାରରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସେଠୁ ବଦଳି କରି ଆଣିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେଠି ଜଣେ 1967 ମସିହା ରାଜସ୍ୱ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେ ଓଡ଼ିଆ 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 ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକମାନେ ରହିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସୀମାକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ରୋମ୍ ଜଳୁଛି ନିରଙ୍ଗ ବୈଶିମାଦନ ଭଳି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଖଲ ହଉ ଚାଲିଛି, ଆମର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସନର ମଙ୍ଗୁଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୈଶିମାଦନ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଲେ, କାରଣ ଇଏ ଆଜିକାର କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେକାର ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାହେଲେ ଏ ବୟାନ ଦେଲେ? ଶୀତ ଶତପଥୀ ଆପଣ ରହିବେ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି, ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ। ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ କରାଇଛି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି କୋଟିଆର ସେ ଅଞ୍ଚଳ, ତ ଏବେ ସେ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ଆମର, ଓଡ଼ିଶାର ସେ ସୀମା ଭିତରେ ସେ ଆସୁନି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଆନ୍ଧ୍ର ଆସି ନିର୍ବାଚନ କରାଇଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏତେ ତମ୍ବି ତୋଫାନ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏତେ ବିବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯେଉଁଦିନ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ସେଇଦିନ 8 ଏପ୍ରିଲରେ ଖୋଦ କଲେକ୍ଟର, ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ, ବାଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ବିଜେପି ଟିମ୍ ଏବଂ ସେମାନେ ସାଦା ପୋଷାକରେ ଯାଇଥିଲେ, ଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେଇଦିନ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ସେଇଦିନ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ତାରା ବାହିନୀପତି ଏବଂ ବିଜେପିର କିଛି ନେତା ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ସେମାନେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବଚସା ହୋଇଥିଲା, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭୋଟ କରିବୁ, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଥିଲା, ସେ 144 ଧାରାକୁ ମାନିନଥିଲେ 3ଟି ଗାଁର ଲୋକେ, ଏବଂ ତଳ ଗଞ୍ଜେଇ ପଦର ଫାଟୁ ସିନେରୀ
ଫଗୁଣ ସିନେରୀ ଏ ଲୋକମାନେ 144 ଧାରାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲୋକ ବୁହା ହୋଇକି ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଲେ କେଉଁଠି ନା ସାରିକା ଗୋଟେ ଭୋଟ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା ସେଠି ଭୋଟ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ସେଠି ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଜାଣିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବା ତିନୋଟି ଗାଁକୁ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ର ତାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ନାଁ ଅଲଗା ନାଁ ଦେଇଦେଇଛି ଯେମିତି ଗଞ୍ଜେଇ ପଦ୍ର ତାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର କରିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ବାଦ୍ରା ଫାଟୁ ସିନେରୀ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସେ ଅଛି ତାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର କହୁଛି ଫାଟୁ ଚିନେରୁ ଏବଂ ସେମିତି ଫଗୁଣ ସିନେରୀ ଆଉ ଏକ ଗାଁ କୋଟିଆ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ତାକୁ ପାଗୁଲୁ ଚିନେରୁ କହୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ତ ଏହିସବୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଅଛି ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଦିନ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଶକ୍ତିଶାହି ଯେଉଁଦିନ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ଯେ ୟାକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରାଯାଉ ମାମଲା ଆନ୍ଧ୍ର ହାଇକୋର୍ଟରେ ରହିଲା ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଶୁଣାଣି ମାନେ ଗଣତି ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ତାପରେ ପୁଣି ଗଣତିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆହେଲା ଏବଂ ଗଣତି ପରେ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଆସିଲା ସେ ଫଳାଫଳ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ ଯେ ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି MPTC ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ YSR କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଛି ଏବଂ କୋଡ଼ମା ଗଞ୍ଜେଇ ବାଦ୍ରା ସାରିକା ଥୋନମ କୁରୁକୁଟି ଏଇଠି ନିର୍ବାଚନ ଗଣତି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ଗଣତି ପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସବୁ YSR କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଏବଂ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ପାଇଁ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ କଲା ଏବଂ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ମାଟିରେ ତା ଅର୍ଥ ଏତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଶକ୍ତିଶାହି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ତାହା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସାଂଘାତିକ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୋହର ମାରିଲେ ତା ଆଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଆଉ କିଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ସହିତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ନିଜର ଅପାରଗତା ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା କଥା ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା କଥା ସେଇଠି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ନାହିଁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏବଂ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବିଫଳତା ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛି ସମାଲୋଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ନିଜ ସୀମାକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଥାଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଏଭଳି ଜଣେ ମାଟିଦ୍ରୋହୀ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରଶାସକ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପୂରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିବାର ନୈତିକ ଅଧିକାର ହରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେଠୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଜନବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗରେ କାରଣ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ତମର ଦଫା ସକଳ ହେଉଛି ତାକି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବାରୁ ୟାକୁ ହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଆଗେ ଗିରଫ କରାଯାଉ କାରଣ ଏଭଳି ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଗିରଫ କରିବ କିଏ କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ବି ରଖୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆମର ସୀମାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥର ବନ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇପଟୁ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଟିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ଦୁଇପଟୁ ସୁବିଧା ନେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ ପାଚେରୀ ସେପଟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଯଦି ଗୋଟେ ଶାସନ ଟିକେ ବଳିଷ୍ଠ ନ ହବ ଦୃଢ଼ ନ ହବ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କର୍ମ ଅବେଳ ଜାଣି ଚାଳରୁ ମୂଷା ପଡ଼ି ମାରନ୍ତି କହୁଣି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ଥାଣୁତା ଏବଂ ନିର୍ଲିପ୍ତତା ସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଲିପ୍ତତା ପ୍ରଶାସନ କଳ ଅଛି ୟାକୁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ନେଇକିରି ଆନ୍ଧ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଆମ ସୀମା ଦଖଲ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇ ମାଟିର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ବିନା ଯୁଦ୍ଧ ଦେବୀ ନାହିଁ ସୂଚ୍ୟାଗ୍ରେ ମେଦିନୀ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଆମର ଅଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମେଦିନୀପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଅଛି ବିଜୟନଗରମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପଟେ ବସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟେ ରହିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ସଢ଼େଇକଳା ଖରସୁଆ ସିଂହଭୂମ ଚକ୍ରଧରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁଛେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି କ୍ଷମତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ
सिटी प्रशासन सोइछे एवं राज्य सरकार एठी नीरव दृष्टा साजिछंती। वर्तमान निजर अपारगता ढांकिबा पई से अंचल आंध्रर बोली कहिबाकु मध्य प्रशासन पछ घुंचा दउनी। कार्यानुष्ठान हबो, गिरफदारी हबो, किंतु गिरफ करिबो किए, कार्यानुष्ठान नबो किए, ये होउछि बड़ प्रश्न। सहित सतपति आपण रहिबे, मु आसिबे आपण पाकु। गोपाल पाड़ी कोरापुट रो आम प्रतिनिधि मध्य जोड़ी होइछंती आम सहित। गोपाल, जो भली भावरे कोरापुट जिलापालंकर ए दुर्भाग्यजनक मंतव्य आसिला एवं से कहउछंती जितेबाला सारा राज्य एकुरैक उठुची पड़ुची एवं से कहउछंती जो आंध्र जोटी निर्वाचन कला से अंचल आंध्रर, तो ए घटना सामना को आसीबा परे कोरापुट जिले रे विभिन्न राजनीतिक दल हो, विभिन्न संगठन हो, स्वाभिमानी व्यक्ति माने जो माने आंदोलन करुथुले, जो माने एकु विरोध करुथुले, तो सेमानंकर प्रतिक्रिया कोन आसुची जिलापालंक ए मंतव्य को नै कि? देखंतु एप्रिल 8 तारिख रे निर्वाचन जेहेतु करितला आंध्र नेरेडीवासा अंचल रे प्रथम थर अर्गस पहुंचितला एवं निर्माणाधीन चर्च भितर जेहेतु आंध्र निर्वाचन करुतला तार पर्दफाश सामना काणीथिलु। सेही समय रे जदि कहिबा सेठी जिल्लापाल कोटियारे पहुंचितिले किंतु नेरेडीवासा से जाई नथिले, याकु प्रश्न करितला भाजपा, किंतु भाजपा रो उत्तर विषय रखि नथिले। जेतेबेले अर्गस बारंबार चित्र को सामना काणुची तार प्रतिक्रिया रखिया पिन जिल्लापाल कार्यालय पहुंची जिल्लापाल प्रतिक्रिया मागिला बळकु से सीधा सळगो मना करी फेरै दउछंती। एही चित्र तो सब जानिछंती। गत काली जो चित्र भी सामना काम आणिलु जे 8 तारीख जो निर्वाचन हेतिला, निर्वाचन रे भोट अधिग्रहण करते सर्वदलीय नेता माने पहुंची के सेठी स्वर उठे जिलापाल कोटियारे बसी रही थे। जितेबाला एक कथा बारंबार पचारुचु किंतु जिलापाल ये पार्टी बंद करुछंती। पूर्व दिन जो बाइट दी जो आप सीधा जो कथा कहते जेहेतु ये निर्वाचन करा जाए ना, जदि निर्वाचन करा जाए ना से दिन पुलिस विभाग आउ जिलापाल ये सब कोटिया जाकि पहुंची थे केमी, सुरक्षा देवाई से जगह थे केमी, ताक बड़ प्रश्न आसे घंट गुड़ा जा राज्य सरकार को निर्देश क्रमे से बाइट दे ना निजस्व देले ताकु तो बड़ प्रश्न आसुछि। किछि समय पूर्वरु इटी भिसी थिला, भिसी रे 5T सचिव ता सहित विभिन्न अधिकारी पहुंचतिले, पहुंचि भिडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम आलोचना भी हेछि जे समीक्षा करा जाइछि कोटिया ने कोन कोटियार कोटिया ने समीक्षा करा जाइछि वर्तमान गुप्त रखा जाइछि। जिल्लापालंकर कोनसर प्रतिक्रिया भी वर्तमान सामना कासु नाही। तो जिल्लापाल कहउछन्ते निर्वाचन जदि हेइनि से अंचल रे एवं आंध्र केवल ता अंचल निर्वाचन करैछि ताहाले काहे कि सेठी जाइकि डेरा पकाइथिले, काहे कि सेदिन एते बचसा हला एवं राज्य सरकार कहीं सुप्रीम कोर्ट गले स्थगित लगे निर्वाचन फलाफल उपर स्थगित लगे कहीं सुप्रीम कोर्ट जाइए, ये हूँ बड़ प्रश्न। मु शांतिभूषण पाखक आसवाक चाहिए। शांतिभूषण ये प्रश्न उठू जे जिलापाल कौन जे निर्वाचन है ओडिशा सीमा भितर, ताल ये जो तीन टी गाँ कथ कहते जहाँ को आंध्र ना बदल कि निर्वाचन कर वाईएसआर कांग्रेस प्रतिनिधि से निर्वाचन जीति, ताहले ए गाँ गुड़िक जिलापाल से कथा स्पष्ट करने दरकार। श्री शतपथी दाबी करुले गिरफ गिरफ करा जाऊ एवं गोपाल जो कथा सूचना करउछंती गिरफ करवा तो दूर कथा सहित तो वर्तमान किसी समय तले 5T सचिव एवं अन्यान्य वरिष्ठ अधिकारी सहित तो कथा हो समीक्षा करुछंती वर्तमान। देखो शक्तिशाई जो कथा मुझे तीनोटी गाँ को ना परिवर्तन करिछि आंध्र एवं ना परिवर्तन करि सेठी निर्वाचन करिछि, केवल निर्वाचन करिनि। आमर प्रतिनिधि गोपाल पाड़ी जहाँ कहते जे से अंचल रे किछि दिन पूर्व ए गोटे सप्ताह पूर्व आंध्र आउ गोटे योजना कार्यकारी करिछि जार ना होछि स्पंदन, एवं पुणी आउ गोटे कार्यक्रम रे जो माने चासी अछन्ते से अंचल रो से माने केमिति उन्नत मानर चास करि पारिबे से मानको सचेतन करिया पे कर्मशाला मध्य करिछि ओडिसा माटी रे कोटिया रे आंध्रर अधिकारी आसिकि। तेणु आंध्रर अधिकारी रीतिमत आसुछन्ती एवं ए जो जगह गुड़िक नाम कहली गंजेई पदर कथा कहंतु बा फाटु सिनेरी हूँ, फगुण सिनेरी हो, नारड़ी बालसा हो, ताड़ी बालसा हो, ये सबू अंचल आंध्रर लोलुप दृष्टि पड़ी एवं आंध्र ये सबू जगह को निज कब्जा को नहीं सारा। जो निर्माणाधीन चर्च कथा गोपाल एवं किसी समय पूर्व कहते से निर्माणाधीन चर्च जो भोट है सेतबाला ओडिशार लोक गले भोट देवाई अटकवाई ओडिशा पुलिस प्रशासन चेष्टा करथिला किंतु सेमाने अटकिले नाही, सेमाने जाकि भोट देले एथिपई भोट देले जे सेमाने आंध्ररु अधिक सुविधा पाउछंती। केवल कोटिया नुहे जदि आपण देखिबे से कोरापुटर नंदपुर सीमारे 18टा गाँ अछि, जो 18 गाँ भितरु 2टा गाँ को मु निजे जाइथिली कैमरा टीम सहित, गोटे होची पेदाबाइल आ गोटे होची रायपड़ा। ए 2टा गाँ रे पूरा आंध्र राजनीति करुछि, पेदाबाइल आंशिक कब्जा करि सारिछि। पेदाबाइल जो सीमा अछि आंध्र ओडिशा सीमा सेठी जो ब्रिज तैयारी होइछि शोभापुट ब्रिज ता 14 कोटी टंका खर्च करी विजु सेतु योजना रे आम राज्य सरकार तैयारी करछन्दी, किंतु आंध्र कहुछि सेटा तार ब्रिज एवं ब्रिज परे परे जो जगह अछि
जो घर अच्छी सब आंध्र निज दखल को नहीं सारा 40 वर्ष तलू से आम जा जो ब्रिज पर गोटे सीमा निर्धारण पर गोटे पथर थिला से पथर को आंध्र केबेठ हटाई देती स्कूल तैयारी तहसील ऑफिस अच्छी थाना अच्छी आंध्रर डेवलपमेंट बा विकास काम एत आम से पचारि बुझल जे गोटे एरिया 10 स्कूल आंध्र कर किंतु ओडिशा रे एपट जदि आपण देखिबे ओडिशा सेठी स्कूल नाही सेठी लोकों को पानी मिलूनी बिजुली मिलूनी सड़क नाही किछि नाही किंतु आंध्र पटु जदि आपण देखिबे पेदाबाइलो सेठी सब सुविधा लोकों को मिलुची त ये होची गोटिया उदाहरण आ गोटिया उदाहरण आमे देखिथिलु जो रायपड़ा गाँ अच्छी पहाड़ उपरे 3 किलोमीटर जीवाक हुए पादर चलिक जीवाक पड़िबो सेठी कोनोसी रास्ता नाही प्रथमे अर्गस ए खबर आनला परे सामना को प्रशासन चेहला स्थानीय विधायक से अंचल को जाते आम जो जा पहुँचल रास्ता या प्रयास आरंभ होता पहाड़ काटिकी से जो 16 परिवार थिले से 16 परिवार शक्तिशाली समस्ते आंध्ररु बिजुली पाउछंती राशन पाउछंती पीवा पानी पाउछंती गोटे पहाड़ अतिक्रम कले आंध्रर आरंभ हो सीमा किंतु आंध्र से पहाड़ डेक एपट लोक निज कब्जा को नहीं सारी राजनीति करुँच ये ढेर दिन है एक कोरापुट प्रशासन जानी नंदपुर तहसिल तहसिलदार जानते समस्त जानते मोर पाखे पूरा 18 गाँव तालिका अच्छी जो तालिका खोद तहसिल ऑफिस रु आसी तेणु आपड़ शुणिले आश्चर्य हे जे ओडिशा सरकार सब जाणी चुप बस दीर्घ दिन धरिकी नंदपुर सीमार ये जो नंदपुर सीमार 18 गाँ को आंध्र कब्जा करके रखी किंतु ओडिशा सरकार किसी करूना पूरा हाथ टेकिपटे कोरापुटर जिलापाल जहाँ कहते से गोटे कथा स्पष्ट जे आमर मटी तुम्हें नहीं जाओ आम देखिकी चुप बसबू ये ये अणओिया अफिसर जी अणओिया अफिसर निज मटी को टेकी आंध्र हाथ को शक्ति आठ विड़म्बना आज कि नए विड़म्बना या तो कि भी नईपे सी तो प्रद्युम्न शतपथी आप कार्यानुष्ठान कथा कहते ये गोटे पर गोटे गाँ आंध्रर दखल को बारंबार चली जाऊँगी आज नुहे वर्ष वर्ष धरी आखिर अंधपुटुली बांधी बसी प्रशासन एवं सरकार एवं जो कथा आम कोरापुट प्रतिनिधि सूचना दौले एभली प्रतिक्रिया आसवा पर जिलापाल कार्यानुष्ठान तागित दूर कथा सहित तो समीक्षा करुंट राज्यर पदाधिकारी मैंने तो ये कार्यानुष्ठान कि भाव में आम आशा करवा ओके प्रद्युम्न शतपथी सहित जोजोग हो पार नहीं बोध हुए परवर्ती समय पुणी आम सहित जोड़ी हवा किंतु ये बड़ प्रश्न उठू तेरे गोपाल पाढ़ी पाक जावाक चाहिए कोरापुट प्रतिनिधि अच्छा गोपाल ये घटना जितेबले सामना को आसी कोरापुट जिलापा ये जो प्रतिक्रिया एक स्थानीय अंचल जो मैंने नेता रही जो मैंने घटना को आरंभ विरोध कर आसुंची आंध्रर दादागिरी को जो मैंने विरोध कर आसुंचर किसी प्रतिक्रिया आसला कि से कौन कहते देखु जो कोटिया कथ आसूसी बिवादीय कोटिया कथ आसूसी साधारण लोक कथ कहना स्तंभकार कथ कहना ये राजनैतिक कथ कह सर्वदलय बसंत जिला प्रशासन राज्य सरकार निष्पत्ति केते जल्दी नेबे एवं कोटिया को आम हाथ मुठा को आने से गोटे हाईकोर्ट रे मामला जारी रही जदि कोटिया जदि आमर ना तो मैंने हाईकोर्ट को ओडिशा सरकार केमी कोर्ट को नहीं पहुंचे आडीएम एडीएम कोरापुट एडीएम जाए दिल्ली में जा बसा बांधिले नथिपत्र जी से जा दस्तावेज सब हस्तांतर कले वकिल को ये जो चित्र बारंबार अर्गस सामना का आनीचु ये कथ पड़ी जेहेतु एप्रिल 8 तारीख निर्वाचन करागला ये फाटू सेन करागला रवि जिला परिषद से समिति सभ्य सरपंच विभिन्न विभिन्न प्रकार निर्वाचन करागला ये प्रश्न आस जिला प्रशासन केमी कही पार्टी आंध्र ये निर्वाचन है नहीं बड़ प्रश्न निजे जिला प्रशासन ये हाईकोर्ट मामला रुजु करपक्षे कहते ये प्रतिक्रिया रखुच्चे आंध्र निर्वाचन करना कोटिया अंचल जेहतु नेरेडीवालसा कोटिया बिवादी अंचल जाऊँगी कितु कोटिया नेरेडीवालसारे जदि कह मार्कर पूर्वदिन गोटे कथार कही रखी पूर्वदिन विष्णुपद सेठी रेवेन्यू सचिव आसी पहुंचले मार्कर पहुंचले मार्कर मात्र गोटे लोक सहित आलोचना कर लोक कही आम एठ जाऊ चाउल बही के आणव टाटिया चाउल को 50 टाँग खर्च करोजना केमी पहुंचुची लोकों पर कौन व्यवस्था कर दीर्घ वर्ष पर सचिव पाद पड़ी कोटिया कोटिया केते बाट आंध्र तार हिसाब भी रखुना सचिव ताकू स्थानीय लोक पचारि बुझुच्चे आंध्र केते किलोमीटर बाट ता मैंने सचिव को केते खोज खबर रखुच्च कोटिया अंचल तार प्रश्न उत्तर आम ग्राउंड निश्चित रूप ये संपूर्ण भाव अपारगता ये संपूर्ण भाव दायित्वहीनता जहाँ प्रमाण बारंबार आम देखे आसीचु एवं
तार प्रमाण सत्वे कोरापुट जिलापाल जो भली भाव दुर्भाग्यजनक मंतव्य दौंट ये एवं ता सत्वे राज्य सरकार वर्तमान पर्यंत एक नहीं कौन स्पष्टीकरण रखुना ये स्पष्ट जे कोरापुट जिलापाल बयान पछरे राज्य सरकार सम्मति रही शांति भूषण कार्यक्रम सारे पूर्व शेष कथा ये जानवाक चाहबू जे जो जो अंचल आज आंध्रर दखल को जा सारे कोरापुट जिलापाल जाणवापर भी एभली बयान रखुंटे निजे जाते से अंचल को गोपाल बारंबार से अंचल को जाइंट कथा हूँ जे स्थानीय लोक जो माने जाकि आंध्र में भोट दौंट ओडार लोक जो माने सुविधा नौकरी आम लोक दायी करवा ना ये हूँ ओडिशा सरकार अपारगता से मानते वर्ष वर्ष धरी पहुँचला ना से पाखे मौलिक सुविधा पहुँचला ना जो कि बाध्य आंध्रर शरण नौशा को ओडिशा सरकार ओडिशा प्रशासन कथा को मानुना निश्चित शक्ति साई जो कथ कौन जे ये होची ओडिशा सरकार अपारगता कारण राजस्व मंत्री दुई दिन तले जहाँ कही आपंकर मन थी से कही ओडिशार माटी कहीं नहींनाशा भितर अच्छी किंतु स्पष्ट जे वास्तवता हूँ ग्राउंड जीरो रे जो कथा गोपाल कहते समस्ते एक कौन आम स्थानीय से जगह को जाइलु पटांगी निर्वाचन मंडल कोटिया ग्रामपुंजर अनेक छोट छोट गाँ जहाँ मुँह ना आपण को कहली जहाँ को ना चेंज कर देती आंध्र गंजेई पदर को गंजेई बाद्रा फाटू चिनेर को पाटू चिनेरी फगुण चिनेर को पगुड़ चिनेरु नारड़ी बालसा ताड़ी बालसा ये सब लोक से प्रलोभित कर प्रभावित कर निज आड़ को नहीं जाइए राशन कार्ड से आधार कार्ड समस्त सुविधा सुजोग जोगे दूसरी ये हूँ कोटिया से पटांगी निर्वाचन मंडल नंदपुर ब्लक से अठरटा गाँ जो अठर गाँव रू दुईट गाँ को मुझे गोटे हूँ पेदाबाइल आ गोटे हूँ रायपड़ा ये दुई गाँ छड़ा बाकी मुझे चाहूँगी मो पाखे पूरा अठरटी गाँव मानचित्र सह माने पूरा तथ्य रही जहाँ सरकारी तथ्य से गाँ गुड़िक तुमकोटा मौजार सीतागुंडा रागुलपेंडा पेदाबाइल आंशिक जो जगह को मुझी एवं कुमारपुट मालीपुट रागुलपेंडा डिमिगुड़ा दोकारीपुट पोंडपेंडा लोकईपुट आदरकता सुटुमेटा गुनुगारू पामराई ये सब छोट छोट गाँ शक्ति थी पहाड़ ऊपर छोट छोट गाँ रही ये अठा गाँ से पटे कोटियार नंदपुर एवं कोटियार एत गुड़े गाँ जो कि आंध्र प्रवेश कर सारा लोक मान व्यवस्था लोक मेरे जेहेतु ओडिशा सरकार प्रशासन सुविधा पहुँचलानी से बाध्य आंध्रर शरण नहीं तो लोक मैंने दायी नुहत सरकार और प्रशासन दायी जे कि वर्ष वर्ष धरी से अंधार रखी से प्रति अवहेला कर आसी बहुत बहुत धन्यवाद शांति भूषण और गोपाल प्रसंग में आम सहित जोड़ हो प्रद्युम्न शतपथी वरिष्ठ सांबादिकम सहित थे राज्य सरकार कौन भावुं जे ओडिशार ये केवल गोटे भौगोलिक सीमा जो मनीषी माने से कृष्णचंद्र गजपति हूँ श्रीरामचंद्र भंजदेव हूँ उत्कल गौरव मधुसूदन उत्कलमणि गोपबंधु दास आरंभ कर अनेक महात्मा अनेक पुण्यात्मा जो माने अनेक त्याग तपस्या बल रे ओडिशा को स्वतंत्र भाषा भित्तिक प्रथम भाषा भित्तिक राज्यर मान्यता देथिले अन्य राज्यर छड़े आनीथिले ओडिशार भूखंड को एवं सेमाने जो त्याग तपस्या करथिले आज राज्य सरकार पड़ोसी राज्य हाथ में आम अंचल को टेकी देकी ये जिलापाल एभली दुर्भाग्यजनक मंतव्य दौंट राज्य सरकार चुप रहुचंती आमे से मनीषी मानक प्रति अपमान करूने कि आम अपमानित करूने कि यार जवाब रखे कि राज्य सरकार जे जिलापाल जो मंतव्य दे आपणकर सम्मति अच्छी ना ये प्रसंग को आम ये छाड़ू कार्यक्रम एट सरुची किंतु ए प्रसंग को आम आगक नबू एवं सरकार प्रतिक्रिया आम मगुचु अर्गस न्यूज मध्यम जवाब रखु राज्य सरकार कोरापुट जिलापाल बयान उपर आपणकर सम्मति अच्छी ना नहीं जदि सम्मति ना तो वर्तमान पर्यंत कहीं कार्यानुष्ठान नहीं समय हो मत को ये रखा नमस्कार।